नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं बहुत ही नई और यूनिक रेसिपी है। ये हैं चना दाल के लड्डू। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। दो तीन चीज़ें ही इनको बनाने के लिए हमें चाहिए और बहुत कम टाइम में बहुत ही लाजवाब लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं, एकदम मोतीचूर जैसे लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह है, इस रेसिपी को एक बार नहीं ट्राई जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चना दाल के लड्डू बनाना। दोस्तों, लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ दाल को भिगो लिया है। मैंने पूरी रात इसको भिगोया है। आप कम से कम 8 से 10 घंटे जरूर भिगोएं। मैंने ये 1.5 कटोरी दाल ली है और इसका पानी हटा दिया है। हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में दाल को डाल देंगे और हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे ही इसको पीस लेना है। आप छान के भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही चम्मच से हटा के पानी और दाल को पीस लीजिए। हमें इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा दरदराई पीसना है। मैं आपको पीस के दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इनको पीस लिया है। मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, आप देख सकते हैं इस तरह दरदरा। आप इसको पीस लें। अब हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे और इससे पकौड़े बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने ये दाल पीस के रखी है इसकी हम पकौड़ी सी बना लेंगे। ये बहुत ही अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं दोस्तों, एक बार इसको ट्राई करें। और इनको हमने क्रिस्पी होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप मीडियम फ्लेम पे इनको पकाएं ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने दूसरी बार भी डाल दिए। इसी तरह हम सारी दाल को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और अब हम इनको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये अंदर तक सिक जानी चाहिए। और मैंने 1.5 कटोरी दाल ली थी, 1 कटोरी मैंने मीठा लिया, खांड लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है और थोड़े से जो खरबूजे के बीज आते हैं वो मैंने लिए हैं। अब हम इनको ठंडा होने देंगे और तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए जितनी हमने 1 कटोरी चीनी ली है उसका आधा हम पानी लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें अपना पानी डाल देंगे और इसको एक आधे तार की मतलब चिपचिपी चाशनी तैयार करेंगे। अब इसको पकने दीजिए। इस तरह हम पकोड़ों को मिक्सी के जार में तोड़ के डालेंगे और इनको दरदरा पीस लेंगे। हमें रोक के चलाना है, जैसे थोड़ी देर चलाएंगे फिर रोक देंगे, फिर थोड़ी देर चलाएंगे फिर रोक देंगे। इस तरह हम एक दरदरा सा इसका जो है चूरा तैयार कर लेंगे। आप देखिए दोस्तों, मैंने इसको मोटा मोटा पीस लिया, आप देख सकते हैं मोटा नहीं मतलब दरदरा पीस लिया है। इस तरह हम मिक्सी के जार में इनको दरदरा पीस लेंगे और इस तरफ हमारी चाशनी भी एकदम तैयार हो गई है। देख सकते हैं ये चिपचिपी बनी है। हमें बिल्कुल आधे तार की आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, आधे तार की हमें चाशनी चाहिए। और ऐसे अगर आप इसमें ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा शहद जैसा चिपचिपापन सा चाहिए हमें। बस इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर जो हमने लिया था। इलायची पाउडर डाल देंगे और अब चाशनी में हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमने ये तैयार किया है पाउडर इसको मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम चाशनी में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के पाउडर को, और जो हमने खरबूजे के बीज लिए थे उसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। मैंने देखी दोस्तों, चाशनी में मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आप घी की मात्रा बड़ा घटा सकते हैं, आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ 2 चम्मच डाली है। और मीठे की मात्रा है कि आप जितना भी मीठा खाना पसंद करते हो
एक दो चम्मच ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके मिठाई में, बहुत अच्छी मिठाई आपकी बनेगी। अब हम इस घी को अच्छे से मिक्स करके, और देखिए दोस्तों घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा गुनगुना होने देंगे, ना तो हमें बहुत ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा, फिर हम लड्डू बनाएंगे। देखिए दोस्तों मिक्सर हमारा गुनगुना हो गया, ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म है कि हम हाथ भी ना लगा पाए और ना ही बहुत ठंडा है कि हमारे लड्डू ना बन पाए। तो अब हम ऐसे ही मिक्सर हमें चाहिए, अब हम इसे अपने पसंद के साइज के लड्डू बना लेंगे, जो भी हमें बड़ा छोटा बनाना है। इस तरह इतने साइज के हम लड्डू बना लेंगे, सारे लड्डू ऐसे ही तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे बने हैं, टेस्ट में भी ये लाजवाब हैं। इन्हें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली और बहुत टेस्टी लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं, इसलिए मुझे भी ये रेसिपी बहुत पसंद है। दोस्तों एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।